off to you, Kanchwal. तो बिल्कुल जिस तरह से सृष्टि देखा जाए पंजाब की तस्वीर जो है वो बिल्कुल यहाँ पर साफ पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। के मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। के मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, पहले नंबर पर बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, लगातार जो तस्वीरें जो रुझान सामने आ रहे हैं 65 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। क्या किसी तरह की कोई गुटबाजी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो रुझान सामने आया है उसमें आम आदमी पार्टी आगे है। लगातार ढोल नगाड़ों का सिलसिला भी आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में शुरू हो चुका है। जी, जैसा कि ट्रेंड साफ नजर आ रहा था कि पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर थी और पिछले 6 महीनों में वहां बहुत फर्क आया है। सिद्धू और अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की गुटबाजी, अमरिंदर सिंह का अलग पार्टी बनाना, और आपने वहां पर बहुत मेहनत की है पंजाब में खासतौर से, और कांग्रेस की गुटबाजी और भ्रष्टाचार ये सब उसको आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, ये कांग्रेस को बहुत पीछे तक ले गया है। और आपने जैसा कि दिल्ली में उन्होंने अपनी 7 सूत्री सरकार दी और उसका एक सबसे बड़ा असर ये है कि आपने पहली बार इतनी बार इतने बढ़िया ढंग से पंजाब में कंटेस्ट किया और वो पहले नंबर पर आई है। जाहिर है कि आपने जो और भी वादे तमाम वादे किए हैं, जैसा कि जनता को पता है कि दिल्ली में जो उन्होंने वादे किए थे फ्री बिजली और फ्री पानी का, यही वादे पंजाब में भी उन्होंने किए हैं। और दिल्ली में जब उन्होंने उस प्रोवाइड कराया तो जनता का रुख जरूर आपकी तरफ मुड़ा, और यही कारण है कि पंजाब में आज आप नंबर वन पे पहुंच गई है। जी, हमारे साथ यहाँ पर विजय विक्रम बीजेपी नेता भी बने हुए हैं। विजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। पंजाब के रुझान जो सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी बिल्कुल पीछे नजर आ रही है 2 सीटों पर ही, रुझानों की अगर बात करें 2 सीटों पर ही आगे नजर आ रही है बड़ी पार्टी और पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? चलिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। के मिश्रा जी, आपके पास मैं लौटूंगी। के मिश्रा जी, जिस तरह से पूरी तस्वीर हम देख रहे हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश में 251 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में एसपी जो है वो 77 पर नजर आ रही है, 169 पर बीजेपी नजर आ रही है, बीएसपी 3 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला जो फॉर्मूला प्रियंका गांधी यहां पर लेकर घूम रही थी वो यहां पर पीछे नजर आ रहा है। चलिए इसी पर बड़ी खबर आ रही है सीधे काउंटिंग खबर की ओर। की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में 250